एक्टर बनने के लिए ऑफलाइन एक्टिंग क्लासेस करना चाहिए या फिर ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस? आज ये चीज़ मैं एज एन एक्टिंग कोच क्लियर करूँगा। आज से लगभग 3 साल पहले जब मैं ऑफलाइन एक्टिंग क्लासेस देता था, तब थ्योरेटिकल क्लासेस ज़्यादा होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस कम होती थी। प्रैक्टिकल क्लासेस का मतलब मेरे स्टूडेंट्स कैमरा कम फेस करते थे, जिसकी वजह से वो कैमरा फ्रेंडली कम हो पाते थे और उनको ट्रेनिंग के बाद ऑडिशन क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस देना शुरू किया है, मैंने नोटिस किया है मेरे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक काफ़ी कैमरा फ्रेंडली हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो अपना हर एक्टिंग सेशन कैमरे के सामने लेते हैं, कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं और वो कैमरा फ्रेंडली ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन एक्टिंग क्लासेस। इसके अलावा ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस कहीं से भी की जा सकती हैं और फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन एक्टिंग क्लासेस। आज मेरे अधिकतर स्टूडेंट्स टॉप टीवी शोज़ और दूसरे टॉप एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में एज एन एक्टर लगातार काम कर रहे हैं। हाउ डू आई कंडक्ट ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस? लेट्स हैव अ लुक।